बीमार पति की मतगणना में ड्यूटी कटवाने को लेकर महिला पहुंची मतगणना स्थल पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पति की ड्यूटी लगा दी गई, जिसमें वह बीमार था। इसको ड्यूटी कटवाने को लेकर कई अधिकारियों से उसने लिखित सूचना देकर ड्यूटी कटवाने को कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आज जब मतगणना ड्यूटी करने पति पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी भी पहुंच गई और अधिकारियों से मतगणना में ड्यूटी कटवाने को लेकर गुहार लगाने लगी, जिसकी भनक मीडिया कर्मियों को लगी, जिन्होंने मामला संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों से बात की। जिसके बाद मामला संज्ञान में लेकर अधिकारियों ने बीमार पति की ड्यूटी कटवा कर उसे घर जाने की इजाजत दे दी। आखिरकार महिला की काफी कोशिशों के बाद अपने बीमार पति की ड्यूटी कटवाने में सफलता मिल गई। कन्नौज जिला संवाददाता अभय दीक्षित। चुनौती किस पद पर है आप? शिक्षा मित्र। आप कहाँ पर तैनात है? प्राथमिक विद्यालय रहगामा। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? जलालाबाद। क्या दिक्कत क्या थी आप? अच्छा, तो आपने ड्यूटी जब आपकी लगाई गई, इससे आपने पहले किसी प्रार्थना पर दिया था कोई? अच्छा, उसके बाद में लेखाकार है जलालाबाद के, उनको कल कहाँ से आई हो? आप यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं थी। आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? ये मतगणना में ड्यूटी लगी है। ड्यूटी कटवाने काफी लोगों से कहा था, लेकिन वो ड्यूटी काट नहीं। चुनाव पे ड्यूटी कर रहे हैं क्या? मतगणना? हाँ कर रहे हैं। आप किस लिए साथ में आई हैं? हम इसलिए आए हैं, अगर ऐसे में कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने कोई किस अधिकारी से अपनी बात रखी थी? किसी से कॉल था? हमको कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने कहा था काफी लोगों से, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। किसी ने नहीं सुना? नहीं। उनकी देख रेख कौन कर रहा है? कोई नहीं देख रेख कर रहा है। मैं बाहर बैठी हूँ, वो अंदर ड्यूटी कर रहे हैं।